तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डेपटेक गेमर्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फिर से खेलने जा रहे हैं लॉकी क्राफ्ट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ऑटोमेटिक डोर बना सकते हैं लॉकी क्राफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सामान बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा रेडस्टोन टॉर्च चाहिए होगी एक, तो और उसके बाद आपको चाहिए होगा स्टिकी पिस्टन, और एक चाहिए होगा प्रेशर प्लेट, और एक कोई भी रैंडम ब्लॉक। तो जल्दी से हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 3x6 का एक बेस बना लेना है। ऐसे दो ब्लॉक डिक करने हैं, ऐसे ऐसे आपको डिक करते जाना है। ऐसे आपको 6 ब्लॉक ऐसे डिक कर लेने हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंटर में आना है, और आपको यहाँ पर आपको ऐसे 2 ब्लॉक डिक करने हैं, और उसके बाद आपका कुछ ऐसा डिज़ाइन सा बन जाएगा। और उसके बाद इसके साइड वाले ब्लॉक पे आपको 1 ब्लॉक डिक करना है, 2 नहीं डिक करने हैं। तो इतना हमारा बेस बन चुका है। बस उसके बाद हमारा काम है, हमें रेडस्टोन से यहाँ पर वायरिंग करनी है। तो आपको ऐसे ही सारे सारे के ऊपर आपको रेडस्टोन लगा देने होंगे। तो उसके बाद आपको लेना है स्टिकी पिस्टन, उसे आपको यहाँ पर लगा देना है, 1 2 3, आप जितना भी ऊपर चाहें। तो अब हमारे पिस्टन भी लग चुके हैं, तो अब हमें इसे एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आपको रेडस्टोन टॉर्च लेनी है, उसे लगाना है आपको यहाँ पर, से कि आपका एक पिस्टन एक्टिवेट हो जाएगा। और हमें तीनों करने हैं। दूसरा एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर प्लैंक लगा देना है एक, मतलब कोई भी रैंडम ब्लॉक ले सकते हैं आप। अब तीसरा एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर रेडस्टोन लगा देना है। तो अब हम ऐसा ही दूसरी साइड कर देंगे, से रेडस्टोन लगाएंगे, रैंडम ब्लॉक, और फिर रेडस्टोन। तो ऐसा हमारा कुछ बन जाएगा। तो अब हमें जो सेंटर में है इसे हमें फिल कर देना है ग्रास ब्लॉक से। गाइस, जो यहाँ पर है ना, इसे आप जो कि यहाँ पर है ना, इसे आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें ये फिल कर देंगे तो हमारा ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो अभी आपको यहाँ पर लगा देना है ग्लास। तो ऐसे आपको लगा देना है ग्लास। तो अब आपको प्रेशर प्लेट्स लेने हैं, और उसे आपको ग्लास के आगे दो दो लगा देने हैं, आगे भी लगा देना है, पीछे भी लगा देना है। तो अब हमारा डोर जो है रेडी हो चुका है। अब जब यहाँ पर ऐसे खड़ेंगे तो ये खुल जाएगा। तो बस अब इसे डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करनी है आपको। आप कोई भी रैंडम ब्लॉक ले सकते हैं, बस इसे थोड़ा सा कवर कर देना है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा इसका। तो मैं ऐसे ही इसे कवर कर देता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा उजाला कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको कवर करते जाना है, मैं दोनों साइड पर कर देता हूँ ऐसे। ऊपर भी कर देता हूँ। तो ओके गाइस, तो हमारा जो है ऑटोमेटिक डोर वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे बस ट्राई करके देखेंगे। तो इसका कुछ ऐसा लुक आ चुका है। अब जैसे हम इसके पास जाएंगे ये खुल जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ओके गाइस, तो हमारा डोर बन चुका है। गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ओके, बाय।